हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर से ये सेवन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट थर्ड में डिस्कशन करेंगे। जो पहले टॉपिक हम लोग देख रहे थे, संख्या प्रत्यय, संख्याओं के विभिन्न प्रत्ययों की समझ क्या है, उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस प्रत्यय में आज देखते हैं हम लोग स्थानीय मान देखे थे, संख्याओं का स्थानीय मान किंतारा के एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास किया था कि कोई भी वैल्यू यूनिट प्लेस पे है तो उसका मान क्या होगा, कोई वैल्यू टेंस प्लेस पे है तो उसका मान क्या होगा, थाउजेंड प्लेस पे है तो उसका मान क्या है, एंड शो मान, उसका चार्ट हम भी दिखाते हैं। इस प्रकार से टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, एंड शो मान। अब उसी कड़ी में थोड़ा आगे देखते हैं प्रत्यक्ष मान। प्रत्यक्ष मान मतलब अंकित मान जो दिख रहा है। दिखने का मतलब जिसे हम स्थानीय मान में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ये फ्लेस प्लेस फेस वैल्यू है, अर्थात ये प्रत्यक्ष होता है, जो दिखता है वही उसका मान होता है। एज लाइक किसी संख्या के किसी संख्यांक में किसी अंक का जो वास्तविक मान है वही उसका आंकिक या प्रत्यक्ष मान होता है। जैसे 587 में सेवन का प्रत्यक्ष मान सेवन है, 8 का प्रत्यक्ष मान 8 है, 5 का प्रत्यक्ष मान 5 है, अर्थात इन संख्याओं का प्रत्यक्ष मान वही संख्या होती है जिस संख्या पर वो नंबर होता है। और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस था, अभी यही नंबर होता 587, 7 की प्लेस वैल्यू 7 होती, 8 की प्लेस वैल्यू 80 हो जाती, 5 की प्लेस वैल्यू 500 होता कि ना होता, ये डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फ्लेस वैल्यू। आइडिया आया? चले हम आपको इसका थोड़ा चार्ट टेबल दिखाते हैं प्लेस वैल्यू का, जिसे आप समझेंगे। इसमें देखते हैं, हमने देखा इकाई के प्लेस पे केवल, दहाई के प्लेस पे कोई संख्या है तो 10, 100 के प्लेस पे है तो 100, थाउजेंड में 1000, 10,000, लाख पे तो 1 लाख, 10 लाख, करोड़ पे 1 करोड़, 10 करोड़, इसी से। ठीक, अब हम इस स्थानीय मान या चार्ट के आधार पर किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम अंकों में निर्धारित करते हैं। जैसे उपरोक्त चार्ट में जो दिया गया उसको किसी संख्या के रूप में हम दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 3546। देखिए अब इस जो चार्ट हम देखे थे सिमिलरली इसी क्रम में बना हुआ था। ऐसा हम ऐसा चार्ट ड्रा कर लिए, वंस, ट्रेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ पे 3000 तक है, हम 10,000 से ऊपर नहीं जाते हैं, इस प्रकार से चार्ट था, छोड़ दिया। अब देखिए वंस के प्लेस पे 6, टेंस के प्लेस पे 4, हंड्रेड के प्लेस पे और थाउजेंड के प्लेस पे, अभी यही 6000 रहा होता या 8000 रहा होता तो यहाँ पे 8 हो जाता, 83546 हो जाता। ठीक, इस प्रकार से उस चार्ट स्थानीय मान का जो चार्ट है उसमें किसी भी अंक के संख्याओं को हम उसके प्लेस वैल्यू के आधार पर पुटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगी, ये 8 है इसकी प्लेस वैल्यू 80,000 हो जाएगी, ये 5 है इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी, ये 10 पे इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, वो 6 इकाई पे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में सीखते हैं किसी भी संख्या को इस क्रम में पुटअप करके हम एक सीक्वेंस के रूप में ऐसे भी संख्या को समायोजित कर सकते। पूरे रिजल्ट क्या आ गया, 3540। ठीक, अब आप इस प्रकार से इन संख्याओं का
स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आपको ये कुछ प्रश्न है, आप ये खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। 546 में 206 का स्थानीय मान समझाएंगे। 3935 में 345 की प्लेस वैल्यू को निकालेंगे और 3671 को विस्तार रूप में लिखेंगे, इसका मीनिंग समझाएंगे। विस्तार रूप मतलब जैसे हम लोगों ने लिखा था ये पार्ट, ठीक, जैसे एक्सप्रेस के फॉर्म में किया गया, ऐसे आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक। चलिए, अब तक हम लोगों ने संख्याओं के विभिन्न प्रत्यय समझ रहे थे, संख्याओं के विभिन्न प्रत्यय को हम लोगों ने देखा, संख्या क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको काउंटिंग से क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अब उन्हीं संख्याओं को प्रत्ययों में अंतर संबंध देखेंगे। उन संख्याओं में एक संख्या से अंतर संबंधित क्या है, संक्रियाएं क्या हैं, विभिन्न प्रत्यय के अंतर्गत ये सब बिंदु आएंगे, लास्ट में उसके प्रतीक को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं गणितीय संक्रियाओं एवं उसके अंतर संबंध। गणितीय संक्रियाओं का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब ऑपरेशंस की बात आ जाएगी, इसका मतलब हम उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली डिवीजन को सीखने का प्रयास करेंगे। तो अंतर संबंध में हम फर्स्ट देखते हैं एडिशन। इसमें क्या है, हम बच्चे को, प्राथमिक स्तर के बच्चे को एडिशन की प्रक्रिया कैसे समझाएंगे, उस बात को समझते हैं। कोई बच्चा है, घर आकर सवाल करता है, उसे गणित विषय अच्छा लगता है, वो खड़े खड़े जोड़ को प्रश्न को इस प्रकार जोड़ता है, 53 + 34 = 68 + 45। उसको ये प्रश्न दिए गया तो वह बड़े आसानी से प्रश्नों को हल कर लिया। क्या बोला, बोला कि ये प्रश्न बड़े आसान थे, इसको करना आसान था, 5 को 3 के साथ और 4 और 3 और 4 लाइन ऐड करके 7 और 5 = 8 इस प्रकार से ऐड कर लिया, लिख दिया। परंतु इसके बगल में जो इस प्रश्न है 8 और 5, इसको बच्चे ने जोड़ा तो 8 और 5 को जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू क्या लिख दिया, 13, ठीक, और 6 = 4 = 10 इसकी वैल्यू उन्होंने ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे को बिना कैरी वाले सिंपल ऐड को समझाया गया था, वो बच्चे ने सीख लिया है। अब हमको किस पे बच्चों को गौर करना है, इस प्रकार की गलतियां बच्चे करेंगे, इसको आप कैसे समझाएंगे, इस बात को हम देखते हैं। अब इसी प्रश्न को आप समझाने के लिए इससे अच्छा इससे ये भी बात स्पष्ट होता है, बच्चे को जोड़ की प्रक्रिया तो आता है लेकिन अधिक अवधारणाओं को, कैरी लेने वाले अवधारणाओं को बच्चों को समझ में नहीं आता। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे को कैरी का एडिशन सिखाने की बात करेंगे, कैरी लेने की बात सिखाएंगे। जैसे बच्चे ने ऐड किया 8 और 5 को बताया, चाहे लाइन मेथड चाहे उंगली मेथड बताया 13। अब बात आप समझाएंगे प्लेस वैल्यू की, ये बेटा 13 टेंस प्लेस पे आ गया, केवल वंस डिजिट को लेंगे हम, और जो ये टेंस की प्लेस पे है तो ये नेक्स्ट नंबर का कैरी बन जाएगा। इट मीन्स 6 4 जो आप 10 ऐड कर रहे हैं उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे को यही नहीं, अलग अलग मेथड से इस प्रकार को सवालों को चर्चा करेंगे, समझाएंगे, उनके मन में गलत फहमियाँ न बैठ पाए। इस प्रकार से आप किसी भी प्रक्रियाओं को समझाएंगे, आप इस प्रकार से सोचने की प्रक्रिया, अच्छा बच्चा ऐसा कर रहा है, आप ऐसा सोचेंगे, इसका ये भी कारण हो सकता है कि जोड़ की प्रक्रिया में शामिल किसी एक या अधिक अवधारणाओं कौशलों को न समझ पाना। जोड़ तो बच्चे ने समझा है लेकिन एक अवधारणा कैरी वाला उसको नहीं समझ में आया,
इसके लिए आप पूर्व संख्याओं, संख्यांकों, गिनती, स्थानीय मास संबंधी अवधारणाओं को बच्चों को चर्चा करेंगे और हम जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग देने संबंधी अवधारणाओं को विकसित करने के लिए गतिविधि आधारित रुचिकर तरीकों को अपनाएंगे। चारों संक्रियाओं में परस्पर संबंध पर चर्चा के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कक्षा में इन अवधारणाओं को सीखने का सिखाने के दौरान बच्चों के मन में कोई गलत फहमियाँ न बैठे, कोई मन संशय न रहे, शंका न रहे। इस प्रकार से बच्चों में जोड़ की अवधारणाओं का विकास हम कर सकते हैं और धीरे धीरे इसके विभिन्न प्रत्ययों को जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। अच्छा, समझते हैं बच्चे में जोड़ का विकास, जोड़ की समझ कैसे डेवलप किया जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे किया जाए, इसके लिए थोड़ा समझते हैं। जोड़ का विकास, प्रतिदिन के जीवन में जोड़ हमें हर किसी को पाला पड़ता है। बच्चे को खाते खेलते, जाने अनजाने जोड़ समूहों को मिलान करने की संक्रियाएं करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे इससे संबंधी अवधारणाओं और भाषाओं को समझ जाएं। मैं डेली लाइफ में बच्चे किसी न किसी एवज में जोड़ का उपयोग करते रहते हैं, हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, ऐसा हमारा उद्देश्य इसलिए होगा, इसके लिए बच्चों को किसी ठोस अनुभव की ज़रूरत होती है। इन्हें सिखाने के लिए हम ठोस अनुभव, ठोस काउंटिंग, गिनतारा का उपयोग करेंगे, छोटे छोटे मार्बल्स का उपयोग करेंगे, मिट्टी के और गिट्टी का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास दो पत्ते हैं, तीन पत्ते और दे दिए जाएँ तो कितने हो जाएंगे? ये दो पत्ते पहले से थे, तीन पत्ते और आ गए तो हमारे पास कुल कितने पत्ते बचे? बच्चा पत्ता काउंटिंग करके बताएगा, ये उसका विचार हुआ, अलग उसको इन्वायरमेंट दिया गया। इस प्रकार से क्रिया गोली, टॉफी, बिस्कुट, बटन, इष्ट पत्थर्स आदि प्रकार से दे करके संख्याओं को बदल कर करके हम ध्यान देंगे कि बच्चे संख्या या वस्तु का साथ बोल लेते हैं। संख्याओं के साथ साथ वस्तुओं, ठोस वस्तुओं को भी समझ उनमें होती है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे उनकी सोच के अनुसार, उनके एनवायरनमेंट के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार जोड़ की संक्रियाओं का विकास करने की प्रयास करते हैं। जैसे तीन गोलियां और तीन टॉफियां, शिक्षक शुरू में उनकी मदद के लिए प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे पास कितने बिस्कुट थे, तुम्हें कितने बिस्कुट और दिए गए, तुम्हें कितने बिस्कुट और चाहिए, कितने बिस्कुट की आवश्यकता और है। इस प्रकार से क्रियाओं का वर्णन कराते हुए बच्चे को गोलियों का एग्जाम्पल देते हुए दो तीन गोलियां किसके बराबर होती हैं, तब शिक्षक बता पाएगा। इस क्रिया को जोड़ना कहते हैं। पांच बताएगा तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा 2 + 3 = 5, यही दो गोलियां, तीन गोलियां, इसको 5 के बराबर बोलते हैं। यही प्रक्रिया जोड़ की प्रक्रिया है। उसके बाद बच्चा खुद 3 + 2 को जानने लगेगा और उसमें 3 + 2, 2 + 2, 5 बैक को हम 3 + 2 के बराबर कर सकते हैं। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, 5 को और कैसे कैसे सीक्वेंस में बदल सकते हैं, एक ही क्रिया में कितने बदलाव संभव हैं, कितने तरीक़ों से सोचने की क्षमताएं विद्यमान हैं। इस प्रकार से हम बच्चे को एडिशन की प्रक्रियाओं को अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करने वाली गतिविधियाँ करा सकते हैं। ठीक, आइडिया आया? इन तमाम तरीकों से लास्ट में उस पर भारतीय प्रश्न में पूछेंगे। इन संक्रियाओं के बेस पे हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग और उसकी गतिविधियों को सीखने सिखाने के बाद मतलब को, अर्थ को समझने की बात करेंगे और इस प्रकार से जब तक ये क्षमताएँ उसमें विद्यमान नहीं हो जाएंगी तब तक हम अगले स्टेप पे नहीं चलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं घटाने का विकास, घटाने की समझ, घटाने की प्रक्रिया क्या है, बच्चे इसको कैसे समझेंगे, इसे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट्स, आइए हम देखते हैं घटाने की क्षमता का विकसित करने में बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जोड़ की प्रक्रिया के जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। जोड़ की तरह घटाने में बच्चों को परिचित
वस्तुओं के संदर्भ में ही कराया जाना चाहिए। जैसे हमने एडिशन में उनके दैनिक ठोस वस्तुओं का अनुभव उपयोग किया, उसी प्रकार से आप ठोस वस्तुओं का उपयोग करेंगे जिससे वो परिचित होंगे। जैसे समझते हैं कि 3 टॉफियों में से 2 टॉफियों निकालने या कम करने को कहा जा सकता है। इस प्रकार से लड्डू ले लें, चपातियां ले लें, कंकड़ ले लें, गोलियां ले लें, काफ़ी वस्तुओं को ले लें जिससे गिनती छोटी गिनती को बच्चे परिचित हों। बच्चे को धीरे धीरे घटाव की समझ विकसित होने लगेगी। इस प्रकार से गतिविधि कराएंगे कि 10 5 टॉफियां हैं, इसमें से 3 टॉफियां छोटे भाई के दे दो, 2 टॉफियां मुझको दे दो, तो आपको कितनी बचेंगी, कितने कंकड़ बचेंगे। खेल खेल में बिना आभास कहते हुए इस गतिविधियों के माध्यम से बच्चे में जब तक घटाव की अंडरस्टैंडिंग समझ पैदा नहीं हो जाएगी, इस प्रकार से गतिविधियाँ कराएंगे और बाद में बता देंगे ब्लैक बोर्ड पे लिख के कि यही है जो आप 3 में से 2 टॉफियाँ दूसरे को दे रहे थे, इसको 1 के बराबर कर रहे थे, यही अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन की है, यही घटाने की प्रक्रिया है, यही घटाने की बात हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, और यही बात हम रिवर्स ऑर्डर में 3+2 के रूप में बच्चे को समझाएंगे। दोनों गतिविधियों के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझाने की चर्चा हम करते हैं। ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहिए कि जब ये क्रियाएं कराएं इससे जुड़े विभिन्न शब्द बच्चों को दोहरवाएं। ऐसा नहीं है कि हम कह के चले जाएं, ये बात बच्चे खुद करें। जैसे कहानियाँ, खेल भी सोचे जा सकते हैं, बच्चों को समझ विकसित करने में मदद करें। ऐसे खेल भी बनाए जा सकते हैं। मुन्ना के घर में 7 लोग रहते हैं, 3 लोग बाहर चले गए, तो बताओ कितने लोग हैं, इसमें घर पे 4 लोग रहे। इस प्रकार से गतिविधि खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझा समझा के इसकी क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं। संख्या पट्टी पर भी इस प्रकार से प्रश्नों को हम बच्चों को समझा सकते हैं। खासकर घटाना की क्षमता विकसित करने के लिए खेल का अवसर भी बच्चों को देना चाहिए। जैसे जैसे 2 बच्चे को पासा और कंकड़ दें और एक पासा फेंकेगा, प्राप्त बने अंकों को कंकड़ में निकाल देगा, शेष बचा हुआ कंकड़ उसका अंक होगा। इस प्रकार से समझते हैं, जैसे पासा में फेंका गया अंक 2 आया और आपके पास 6 कंकड़ थे, दूसरा बच्चा ने उसको पासा फेंका, घटाव कर दिया। इस प्रकार से आप में जितने कंकड़ होंगे, पासे में 6 डिजिट होते हैं, जितने पासे में डिजिट आएंगे उतने डिजिट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, आपके पास इतने कंकड़ बचेंगे। ठीक, दूसरी बार आपके पास 6 कंकड़ पहले से ऑलरेडी रख के रहेंगे, पासा फेंका उसमें 1 आया, तो 1 इसमें से घटा दिया, जो आया 1 5 आया। इस प्रकार से अलग अलग गतिविधियाँ अलग अलग अंकों के माध्यम से बच्चों को हम समझा सकते हैं। संख्या पट्टी के माध्यम से भी हम घटाव की प्रक्रिया को समझा सकते हैं कि घटाव बच्चों की समझ विकसित करने में इसमें कैसे किया जाए। इससे बच्चों की उल्टी तरफ से गिनने की क्षमता का भी विकास किया है, रिवर्स क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग। उदाहरण के तौर पे 7 में से 3 घटाने का अर्थ होगा पहले हम 7 गिने फिर 3 वापस आ जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 3 वापस आ जाए, 1 2 3। समझ में आया, इस प्रकार से हम बच्चों को समझेंगे। 4 खाना वापस 5 खाना वापस आ जाए तो क्या अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस प्रकार से बच्चे में ये अवधारणाओं को समझ विकसित करने के लिए हम ये गतिविधि करा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब के अलावा से, जैसे लाइन मेथड भी होता है, सब्ट्रैक्शन में लाइन मेथड भी होता है, लाइन मेथड से भी बच्चे को सेट कर सकते हैं। जितना लाइन, जैसे हमारे पास 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन में से 4 हमने 8 लाइन है, 8 लाइन में से 4 हमने निकाल दिया था तो 5 बचा। हमारे पास 9 लाइन है, 9 लाइन में हमने 5 लाइन निकाल दिया, शेष 4 बचा। इस प्रकार से हम अलग अलग लाइन जैसे ड्रा करके, कुछ कैंसिल करके बच्चों से पूछेंगे कि ये कितना बचा हुआ है। बच्चों खुद काउंटिंग में बताएगा, नहीं 5 था, 2 निकाल दिया गया भाई, 2 बचा। इस प्रकार से सेल्फ एक्टिविटी करा करके इबारती प्रश्न देंगे, दैनिक वस्तुओं की पहचान करेंगे, फिर उनको हम ठोस वस्तुओं से संबंधित कराएंगे और शेष बचे वस्तुओं से कहेंगे कि यही है,
सब्ट्रैक्शन है, इसी को समझने की बात है। यही जो आप लोगों ने कर रहे हैं यही सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है। इसे अन्य एग्जाम्पलों, दो संख्याओं को अंतर का पता भी लग सकता है। दो वस्तुओं के रूप में शेष घटाने वाली प्राप्त वस्तुओं की संख्या भी हो सकती है। शेष राशि का पता लगाने को शेष, बची हुई राशि को शेष कहते हैं। इस प्रकार से तमाम कंसेप्ट को बच्चे से हम परिचित कराएंगे और उनके पूरक प्रश्नों को समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। और जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, एडिशन की तरह इसमें विभिन्न गतिविधियाँ कराएंगे। और ऊपर से गतिविधियाँ कराने के बाद उनमें जब तक समझ नहीं पैदा हो जाएगी इसकी, हम इसको ठोस वस्तुओं से उसका परिचित कराते रहेंगे और उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके लेवल के अनुसार कहानियाँ बताएंगे, उदाहरण देंगे, और जब तक उनकी समझ क्षमताएँ विकसित न हो जाएं। आज हम लोगों ने संख्या प्रत्यय के, संख्याओं के विभिन्न प्रत्यय के कंसेप्ट में देखा। आज की क्लास में फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू के बाद एडिशन की प्रक्रिया के अंडरस्टैंडिंग बच्चों में कैसे किया जाए उसको भी देखा, और सब्ट्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में कैसे किया जाए इस बिंदुओं को भी हमने देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में कैसे पैदा किया जाए और डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग और विकास कैसे किया जाए, इन दोनों बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो उसका प्रतीकात्मक है बात है, संख्याओं को प्रतीक के रूप में कैसे सिंबल किया गया उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, थैंक यू। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।